अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल, गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन के तत्वाधान में व्यापारिक दिवस का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय लॉन में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह व विशिष्ट अतिथि एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन व राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और उत्थान को लेकर विचार विमर्श भी किए गए। कार्यक्रम में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ भोला अग्रहरी, सदस्य व्यापारी कल्याण बोर्ड जवाहर कसौदन, वरिष्ठ समाज सेवी, चिकित्सक, प्रबुद्ध लोग सहित अन्य मौजूद रहे। किसी भी समस्या में अपने आप को छोड़ करके उसके समस्याओं को अपने सर पर लेकर के उसके साथ मैं आवाज देना चाहूंगा। प्रमोद वर्मा और आनंद अग्रवाल जी माला पर नए व्यापार प्रकोष्ठ का निर्माण किया है और व्यापार प्रकोष्ठ निश्चित रूप से हमारे बीच में उपस्थित। इसका उद्देश्य ये है कि आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना को 29 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये 3 सितंबर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना दिवस है और इस दिन हम लोग 3 सितंबर को व्यापारी दिवस मनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको व्यापारिक दिवस के रूप में मना रहे हैं ताकि एक जो व्यापारी को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा वो मिले। शिक्षक दिवस होता है, अधिवक्ता दिवस होते हैं, किसान दिवस होता है, हर दिवस को मनाता व्यापारी ही है और व्यापारिक दिवस ही नहीं होता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है, अनुरोध है कि 3 सितंबर को व्यापारिक दिवस घोषित किया जाए, इसलिए हम लोग 3 सितंबर को व्यापारिक दिवस मना रहे हैं और इसमें कुछ शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी, व्यापारी और डॉक्टर्स लोगों को हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं।